नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिक्लेयर फैक्ट्स टीवी में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है? क्या आपको पता है कि भारतीय रुपए में छपी हुई गांधी जी की तस्वीर को कब और कहां लिया गया था? और तो और, नोकिया फोन को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उस वक्त आपको दो हाथ दिखते हैं, असल में ये हाथ किनके हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के घर में गैस कनेक्शन तो जरूर ही होगा, पर आपको गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई ये बातें बिल्कुल पता नहीं होगी कि हर एक एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ भारत में एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये इंश्योरेंस किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपको उस दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। जैसे कि दुर्घटना के दौरान हुई मौत के लिए आपको 6 लाख का मुआवजा मिलता है, और साथ ही मेडिकल खर्च के लिए आपको 3 लाख तक का मुआवजा मिलता है, और आपकी संपत्ति को अगर कोई नुकसान हुई तो उसके लिए आपको 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। और इसके अलावा इमीडिएट रिलीफ के लिए भी आपको 25,000 रुपए पर पर्सन यानी पर व्यक्ति दिया जाता है, और ये फैसिलिटी पाइपलाइन वाले एलपीजी कनेक्शन के लिए भी उपलब्ध होता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज जितनी कम मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप सोना यानी गोल्ड को ले लीजिए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के अंदर इतना ज्यादा सोना उपलब्ध है कि अगर उसे इस पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों में बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में 1 किलोग्राम सोना आएगा। पर यहाँ पर मुश्किल की बात यह है कि ये सोना समुद्र के अंदर में छोटे छोटे कण के रूप में घुले हुए हैं, जिसे बाहर निकाल कर और शुद्ध करना काफी मुश्किल बड़ा काम है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पानी हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और एक मनुष्य का शरीर लगभग 70% पानी का बना होता है। आपको पता है कि इंसान जब 70 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब वह कितना पानी पी चुका होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि जब एक इंसान 70 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तब तक वह 12,000 गैलन से भी अधिक पानी पी चुका होता है। फैक्ट नंबर 17। भारतीय नोटों में आपने महात्मा गांधी जी का तस्वीर जरूर ही देखा होगा, जिसे देखकर आपके मन में एक ख्याल जरूर ही आया होगा कि आखिर गांधी जी की इस तस्वीर को कब और कहां पर लिया गया था। दोस्तों, भारतीय नोटों पर छपे इन गांधी जी की तस्वीर को 1946 में भारत के राष्ट्रपति भवन के बाहर ली गई थी, जो कि उस वक्त के वायसराय का घर हुआ करता था। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने बचपन में एक बात जरूर ही सुनी होगी कि किसी भी बीज को हमें नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर को काफी नुकसान होती है। पर जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हर एक बीज को गलती से खा लेना नुकसानदायक नहीं होता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल यानी कि सेब के बीज बहुत ही जहरीले होते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि एप्पल के बीज में साइनाइड होता है, जो कि एक किस्म के जहरीले केमिकल हैं, जो आपको मौत के रास्ते भी भेज सकता है। पर इस फल में दोस्तों, ये बीज बहुत छोटे होते हैं, इसका जहर आपके शरीर में बहुत सारे बीज खाने के बाद ही असर कर सकता है। पर दोस्तों, जोस में आकर आप इस बीज को खाकर टेस्ट करने की कोशिश नहीं करना। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, नोकिया के फोन को भारत में यूज हो रहे फोनों में सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय फोन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज से वर्षों पहले इस फोन को खरीदने की चाह हर एक लोगों में होती थी, पर इस फोन को स्विच ऑन करने के साथ आपको दो हाथ दिखते हैं, और इन्हें देखकर आपके मन में भी एक ख्याल जरूर ही आया होगा कि आखिर ये दोनों हाथ किसके हैं। चलिए दोस्तों, सच्चाई आपको बता ही देते हैं। दरअसल इन दो हाथों में से एक हाथ मार्टा स्टीवर्ट नाम की लेडी का है, और दूसरा हाथ जैकरी जॉनसन नाम के बच्चे का है। अब तो ये लोग काफी बड़े हो गए होंगे, लेकिन इनके हाथ आज भी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, भारत में तो बच्चे बड़े होने के बावजूद भी अपने माँ बाप से जूते चप्पल से पिटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसे देश भी हैं जहाँ पर 16 साल के कम उम्र के बच्चे को थप्पड़ मारना भी गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चे को थप्पड़ मारना ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, और ये नियम माता पिता के साथ साथ वहाँ के टीचर के ऊपर भी एक समान लागू होता है। आपको पता होना चाहिए कि थप्पड़ यानी कि स्लैप को बैन करने वाला स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश है जो थप्पड़ मारने को ऑफिशियली बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, गर्मियों में या फिर बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होती है, और इन्हीं मौसम में लोगों को मच्छर तो जरूर ही काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आपको किसी मेल मच्छर ने काटा या फिर फीमेल मच्छर ने? दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, ये
यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इंसानों को हमेशा फीमेल मच्छर ही काटती है, क्योंकि दोस्तों फीमेल मच्छर ही सिर्फ खून पी सकती हैं, वहीं पर मेल मच्छर सिर्फ मीठा लिक्विड पीना पसंद करते हैं। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि एक फीमेल मच्छर अपने वजन के 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस पृथ्वी पर मनुष्य को भी एक एनिमल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन मनुष्य को इस पृथ्वी पर बाकी के सभी एनिमल्स की तुलना में सबसे ज्यादा विकसित क्रिएचर माना जाता है। मिसाल के तौर पर हम सभी को पता है कि चीता इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चीता एक खास समय तक दौड़ने के बाद थक जाता है, लेकिन इंसान बिना थके चीते से भी ज्यादा तेज रफ्तार और दूर तक भाग सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान को काफी लंबे समय तक और कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। और इंसान की यही क्वालिटी इंसान को बाकी सभी एनिमल से काफी बेहतर और सुपीरियर बनाती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही आया करता था, और इसके बाद फिर कलर टीवी का आविष्कार किया गया, जिसके बाद लोगों का टीवी देखने का मजा ही अलग हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलर टीवी के आविष्कार से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया? दोस्तों एक रिसर्च से पता चला है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था तब 100% लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ही सपने आते थे, लेकिन जब से कलर टीवी आया तब से लोगों को सपने भी कलरफुल आने लगे। आज के समय में सिर्फ 9% लोग कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों फल खाना हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फल आपके लिए कभी जहर भी बन सकता है? दोस्तों अगर आप दवाई खाने के बाद अंगूर खा लेते हैं तो ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक और नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका लीवर दवाई को ब्रेक डाउन करता है और अंगूर में पाए जाने वाले मिनरल्स दवाई में मिक्स होकर अपना साइड इफेक्ट कर सकते हैं, जिसका आपके बॉडी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों लेनेवो कंपनी का नाम आपने उनके अच्छे प्रोडक्ट के लिए जरूर ही सुना होगा, पर क्या आपको लेनेवो कंपनी के सीईओ यंग युवान किंग के बारे में जानते हैं कि दोस्तों सीईओ यंग बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसका सबूत उन्होंने साल 2012 में अपने बोनस को अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉय में बांट कर साबित कर दिया था। सन 2012 में यंग को 25 करोड़ रुपए का बोनस मिला था, जिसे उन्होंने अपने कंपनी के सभी लोअर एम्प्लॉय के बीच में बांट दिया था, और ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उनके सभी एम्प्लॉय को लगभग 25,000 रुपए का बोनस मिला था। फैक्ट नंबर 8, आज के इस मॉडर्न जमाने में हर एक छोटी से बड़ी चीज का एड्स आपको टीवी पर देखने को मिलता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आपको क्यों नहीं देखने को मिलता है? दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि एक्सपेंसिव कार को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी का मानना है कि जो भी लोग टीवी को देखने में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं वे लोग इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार कभी भी नहीं खरीद सकते, इसलिए टीवी पर एड देना उनके पैसे की बर्बादी होगी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों लोगों के शरीर पर बहुत सी जगह पर तिल यानी मोल होते हैं, इनमें से कुछ तिल वक्त के साथ उभरने लगते हैं तो कुछ तिल जन्म से ही लोगों के शरीर पर होते हैं। लोग शरीर पर बने इन तिल के बहुत से मायने निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1880 में लोगों में तिल का क्रेज इतना ज्यादा हो गया था कि लोग लेगर के बने नकली तिल को लगाया करते थे। उस वक्त के लोगों को तिल वाले लोग काफी ज्यादा पसंद होते थे, इसलिए लोग सुंदर और अट्रैक्टिव देखने के लिए नकली तिल का इस्तेमाल करते थे। फैक्ट नंबर 6, हर एक मनुष्य के जीवन में दोस्त की काफी अहमियत होती है। लोग अपनी दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय भी अपने दोस्तों को काफी अहमियत देती है? गाय के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। गाय को अगर उनके बेस्ट फ्रेंड से अलग कर दिया जाए तो वह अक्सर डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके बाद उनकी दूध देने की क्षमता भी कम होने लगती है। और तो और दोस्तों हर एक अलग अलग इलाके की गाय की अलग अलग बोली भी होती है, जो अपनी आवाज अलग अलग निकालती है। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रिच दुनिया की सभी पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, और यही वजह है कि उसका अंडा भी बाकी पक्षियों के अंडे से काफी बड़ा होता है। दोस्तों आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे कि ऑस्ट्रिच के अंडे से बनाया गया ऑमलेट मुर्गी के 15 अंडों के बराबर होता है, और ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। ऑस्ट्रिच का
अंडा बाकी पक्षियों के अंडे से काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट जरूर ही लिखी हुई देखे होंगे और आपके मन में एक सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है। दरअसल दोस्तों पानी की बोतल पर लिखी गई एक्सपायरी डेट उस बोतल के प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में एक नुकसानदायक एलिमेंट है जिससे पानी को ज्यादा वक्त तक इन प्लास्टिक की बोतल में रखने से प्लास्टिक के नुकसानदायक पार्ट्स इन पानी में घुलकर पानी को खराब कर सकता है और वह स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और कस्टमर एक्ट के मुताबिक हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट जरूर ही मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग भी किसी भी प्रोडक्ट को बिना एक्सपायरी डेट देखे बिल्कुल भी ना खरीदें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक एडल्ट इंसान में 206 हड्डियां होती है, पर क्या आपको पता है कि एक बिल्ली के शरीर में इंसान से भी ज्यादा हड्डियां होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बिल्ली के शरीर में 230 हड्डियां मौजूद होती है। और तो और बिल्लियों के फ्लेक्सिबल से दिखने वाली पूंछ में भी 20 से लेकर 21 हड्डियां होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंसानों के बारे में आपने जरूर ही सुना होगा कि वो लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है। दोस्तों पोलर बियर पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक लौता ऐसे जानवर है जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है। पोलर बियर अपनी हर एक काम को करने के लिए लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करना प्रीफर करता है। और तो और आज तक ऐसा एक भी पोलर बियर नहीं देखा गया जो राइट हैंडेड हो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जब आप रोटी चबाकर खाते हैं तो वह रोटी धीरे धीरे चबाने के बाद आपको मीठा लगने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है कि इसमें आपकी जीभ से निकलने वाले सलाइवा जिसे आप लार के नाम से जानते हैं वह मिक्स होने लगता है और इसी वजह से आपको रोटी थोड़ा स्वीटर लगने लगता है। पर क्या आपको पता है कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में 25,000 कार्ट लार का उत्पादन करता है जो कि 2 स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।